हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो भी सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन 2022 का एक्सेड प्लस एचएस वेरिएंट। ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये हाल ही में ही लॉन्च हुआ और भाई काफी तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं आप लोगों को इसमें। और वो सारे फीचर्स ना मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बाकी भी नॉर्मली आप लोगों ने गाड़ी में कितने वेरिएंट्स देखे होंगे, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5, लेकिन यार इस गाड़ी में ना आप लोगों को 8 वेरिएंट्स मिलते हैं। और 8 वेरिएंट्स में कैसे कह रहा हूँ, जिसमें मैंने पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, डार्क, ड्यूअल टोन, कुछ नहीं गिना, मोटा मोटा बताया है। जिसमें से जैसे आप इसका एकदम बेस वेरिएंट ले लो, वो है एक्सी नाम से आता है। फिर उसके ऊपर XM, XMS, फिर आते हैं अपना XZ, XZ+, XZ+ HS जो सामने आप देख रहे हैं। इसके अलावा 2 वेरिएंट्स और हैं जो आ जाते हैं XZ+ ऑप्शनल के नाम से, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो इसका XZ+P। तो भाई देख लो कितने सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं इसमें। यानी टाटा आप लोगों को कहीं और जाने नहीं देगा, सारी चीज़ें आप लोगों को वो दे रहा है, तो कहीं और क्यों जाना। भाई साथ में 5-स्टार रेटिंग और मिल रही है आप लोगों को। बाकी भाई अभी मैं हूँ गुड़गावा हरियाणा में। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को शोरूम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसकी ऑन रोड कीमत 12,46,000 है। तो भाई ये तो हो गया इसकी प्राइसिंग का पूरा सीन। अब एक बार आते हैं इसके मेन फीचर्स पे। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की चाबी आती है इसके साथ, जिसमें कि लॉक के लिए, फिर लाइट के लिए, यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए, नीचे अनलॉक करने के लिए। पीछे तरफ यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ना तो चार तरफ आप लोगों को पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, प्रीमियम लुक देने के लिए चाबी को। बाकी एक बार मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ, अब आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। मैं फिर से करता हूँ तो देखिए बंद होगी और इसी से ऑन हो जाएगी। ना फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक आता है गाड़ी का, जिसमें कि यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे रहती काफ़ी बोल्ड एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल, और ये ना काफ़ी मस्कुलर लुक दे देती है गाड़ी को आगे से। उसी के नीचे यहाँ पे टायर और डिज़ाइन मिल जाता है, और यहाँ पे आ रहती टाटा की ह्यूमैनिटी लाइन। तो ये तो हो गया अभी ऊपर का। अब नीचे की तरफ भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी आप लोगों को टायर और डिज़ाइन मिल जाता है, लेकिन ये सिल्वर फिनिश में है, बाकी कुछ ब्लैक में भी है। और सिल्वर में ही आप लोगों को स्किड प्लेट मिल जाती है। बाकी यार 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पर आ जाता है इसका टोइंग हुक। बाकी यार सामने जो सबसे मेन पार्ट है ना, यानी कि इसकी हेडलाइट यूनिट, उसकी बात करते हैं अब। तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल हैलोजन्स मिलते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर हैलोजन है, ये आप लोगों के साइटन इंडिकेटर, और इसी में DRLs भी आ जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे ना तो ये पूरा आप लोगों को मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे आप लोगों के फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि हैलोजन में रहने वाले हैं, और ये आप लोग सी शेप में मिलते हैं, जहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग आ जाती है। ये साइड तो होगी भी नॉर्मल बात है। अब इसके हेडलैम्प्स में ना एक मस्त फीचर आता है, जो कि है ऑटो हेडलैम्प्स का। यानी कि अंधेरा होते ही आप लोगों के जो हेडलैम्प्स है ना, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आते हैं इसके वाइपर्स, और ये भी रेन सेंसिंग वाइपर है, जिनका सेंसर वहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को। साइड से कुछ हिस्से का लुक आता है इसका, जिसमें कि सबसे पहले एक बार टायर साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को भी ब्रिजस्टोन कंपनी के टायर्स मिलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और प्रोफाइल की बात करें तो 215/60/8/16 की यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाती है, और अलॉय व्हील्स मिलते हैं आप लोगों को। पूरे डिज़ाइन आप लोग देख ही पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों को व्हील आर्च और साइड क्लैडिंग मिल जाती है साइड में। और अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी आप लोगों को ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ORMs ऑफर करती है, जिसपे कि आप लोग साइटन इंडिकेटर भी मिल जाता है, और ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड पर सारे फीचर्स आते हैं इसमें। और ये जो है ना, एक बार मैं पास से दिखाता हूँ, ये जो आप लोगों को व्हाइट सिरेमिक में एक स्ट्रिप मिल जाती है, ये आप लोग आगे से होती पीछे तक जा रही है, डिग्गी पे होती है उस साइड भी, ये देखिए। तो ये ना काफ़ी उभर के आती है कलर पर, ये काफ़ी सही लगती है। फिर बाकी रूफ़ पे आप लोगों को रूफ लाइनिंग मिल जाती है, और यहाँ पर आती है सनरूफ्स में, ये मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल फिलिंग कैप, जिसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये आप लोगों को 44 लीटर्स की मिलती है। बाकी अब बात करते हैं भाई ये इसकी बैक प्रोफाइल में। काफ़ी कूपे सा डिज़ाइन मिलता है आप लोगों को, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और काफ़ी शार्प स्पॉयलर मिलता है। साइड से दिखाता हूँ तो ये देखिए कितना झुकाव होना चाहिए, एक स्पोर्टी फील देता है गाड़ी को। और यहाँ पर आता है इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। बाकी पीछे तो डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वोकल फॉर लोकल की बैजिंग। बाकी जो मैंने आपको बताया था ना वाइट सिरेमिक स्ट्रिप, वो पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी बोल्ड मिल जाती है, यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है, और इसी के नीचे भी यहाँ पे आप लोग काफ़ी बोल्ड ग्लोसी ब्लैक में स्ट्रिप मिल जाती है, देखिए। बाकी यहाँ पे आता है रियर कैमरा, दूसरी गाड़ी में आपने देखा होगा थोड़ा उभर के होता है, लेकिन ये आप लोगों को इसी में मिल जाता है एकदम स्मूथ, तो ये पता भी नहीं लगता। और कैमरा भी होता है नीचे नेक्सॉन की बैजिंग, और यहाँ पे बूट ओपन के लिए आप लोग को बटन मिल जाता है। बाकी नीचे तरफ अब और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर, जिसमें कि लेफ्ट साइड पूरी सिल्वर फिनिश, यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है, बीच में रिफ्लेक्टर, जिसमें कि टायर और डिज़ाइन मिल जाता है, ये देखो। और राइट साइड यहाँ पे इसका रियर बम्पर आ जाता है, जो कि आप लोगों को पूरा मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को सिल्वर में इसकी स्किड प्लेट मिल जाती है, जो कि पूरा स्पोर्टी फील दे देती है पीछे से इसे। बाकी अगर इसके बम्पर पर अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ ना एक बार, तो ये देखो यहाँ पे टायर और डिज़ाइन मिल जाता है, यहाँ पे आ जाएगी इसकी नंबर प्लेट, और पीछे आप लोग 2 पॉइंट सेंसिंग पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब एक बार बूट खोल के देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी तरफ से क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। तो 350 लीटर का आप लोगों को यहाँ पे पूरा टोटल बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे
यहाँ पे दो हुक आ जाते हैं, नीचे की तरफ एक लाइट आ जाती है, राइट हैंड साइड भी यहाँ पे दो हुक दिए गए हैं। और मैट के नीचे देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेयर व्हील ही होगा, लेकिन उसकी प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो ब्रिजस्टोन कंपनी का यहाँ पे टायर मिलता है आप लोगों को, जिसकी प्रोफाइल अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखो 195/60 R16 का यहाँ पे ये मिल जाता है। बाकी ये हो गया भाई बूट स्पेस। और इसमें आप लोगों को ना ये जो सामने की सीट्स हैं इनको 60/40 में फ्लिप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा और बूट स्पेस चाहिए तो। उसके लिए यहाँ पे एक ग्रैबिंग हैंडल मिल जाता है। और ये हो गया भैया अभी के पास पीछे का, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। अब आते हैं एक बार इसके पैसेंजर साइड, तो डोर खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो ड्यूअल टोन में पूरा डोर आता है और वाइड ओपनिंग आप देख सकते हैं कितनी ही है। ऊपर यहाँ पे ये पूरा हार्ड प्लास्टिक, लेकिन पास से दिखाऊँ तो एक टेक्सचर्ड यहाँ पे फिनिश मिल जाती है आप लोगों को, ये पूरा फैब्रिक आ जाता है। और नीचे भी यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पे भी टेक्सचर मिल जाता है। नीचे स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आप लोगों को बोतल होल्डर मिल जाता है। ये इसका हैंडल बार जो कि काफ़ी स्लीक से लुक में दिया गया, कर्वी शेप में, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ये देखो अब आ जाते हैं भाई इसके सबसे मस्त पार्ट पे, जो कि इसकी सीट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो थाई स्पॉट और कुछ नहीं, देखो यार भर भर के मिल जाती है आप लोगों को। और सीट्स ना है भी काफ़ी कंफर्टेबल, आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी भी इसकी डिज़ाइन देखो आप इस तरह से, मतलब कि जब आप बैठोगे ना तो पूरे इसमें समा जाओगे एक तरीके से, तो काफ़ी सही रहता है वो। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे तरफ आप लोगों को। और एक बार बैठ के दिखाता हूँ अंदर, तो यार ऊँची गाड़ी काफ़ी है। और ये देखो ये सीट मैंने एकदम आगे की हुई है, तो ये मैक्सिमम स्पेस अभी अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इसको आधा पीछे कर सकता हूँ सीट को, फिर भी काफ़ी स्पेस रह जाएगा मेरे लिए। राइट साइड ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये एकदम मिनिमम स्पेस है, नहीं कम से कम स्पेस। बाकी यार सीट के पीछे अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो एक कर्व शेप मिल जाती है वहाँ से आप लोगों की, मतलब जब आप बैठेंगे और मान लीजिए कोई ज़्यादा लंबा आदमी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन घुटनों के लिए आप लोगों के लिए स्पेस बना रखे तो वो काफ़ी सही लगता है यार। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ये देखिए बीच में सिल्वर फिनिश आ जाती है, अब एक बार आप देख पा रहे होंगे ये देखो। और यार एक बार मैं आर्मरेस्ट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें कि कप होल्डर्स मिल जाते हैं। तो और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो आप लोगों को रबड़ की बिडिंग मिल जाती है ताकि जो कप है वो स्लिप ना हो, तो यार ये काफ़ी सही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया टाटा ने। बाकी भी सामने का कुछ इस तरह का लुक आता है पीछे से। अब आ जाते हैं एक बार ड्राइवर साइड, तो यार यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ इतनी वाइड ओपनिंग मिल जाती है डोर की, जिसमें कि सबसे नीचे देखें ना राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाता है इसका रिफ्लेक्टर। ऊपर की तरफ काफ़ी एक प्लेन सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप लोग टेक्सचर फिनिश मिलती है। यहाँ पर ORM से कंट्रोलर आते हैं, नीचे की तरफ क्रोम फिनिश में लीवर मिल जाता है आप लोगों को। और जो डोर हैंडल है ना वो पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलता है आप लोग, काफ़ी प्रीमियम फील देता है सच्ची। और यहाँ पे आ जाते हैं ऑल फोर पावर विंडोज से कंट्रोल। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बोतल होल्डर, थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इसी के ऊपर यहाँ पे आ जाता है अम्ब्रेला होल्डर, और यहाँ पे स्पीकर और ये ट्विटर। टोटल ना 8 स्पीकर मिलते हैं आप लोगों को पूरी गाड़ी में। बाकी सीट की हाइट को ना आप लोग मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो आप लीवर देख पा रहे हैं सामने। अगर आप सीट की कुशनिंग की बात की जाए ना, तो यार थाई स्पोर्ट अगेन काफ़ी बेहतरीन मिलता है, और कुशनिंग भी काफ़ी सही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है आप लोगों को ऊपर की तरफ। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो नीचे यहाँ पे तीनों पेडल्स आते हैं क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है, और राइट साइड आता है इसका बोनट ओपन करने के लीवर। एसी वेंट्स के पास ना यहाँ पे आप लोगों को ट्रायर और डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी सही लगता है। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है, बीच में आता है इसका एसी वेंट। बाकी ऊपर की तरफ ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है जो कि ब्लैक कलर में मिलता है, पर ये भी टेक्स्चर्ड है तो नॉर्मल फील नहीं आती, लगता है हाँ भी कुछ है। ये पूरा प्लेन है, बाकी यहाँ पे ये पूरा ये सारा टेक्स्चर्ड मिलता है आप लोगों को। अब एक बार स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं, तो इस वाले वेरिएंट में ना आप लोगों को स्टेयरिंग व्हील जो लेदर रैप्ड मिलता है। बाकी अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो एक चीज़ देखी होगी, ये इसकी चाबी है, और यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ ना तो पूरी फिट बैठ जाती है एकदम, डिज़ाइन वगैरह सब मैच होता है, ऐसा लगता है यहीं से उठाई गई है, तो ये होगी भाई। बाकी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है, कुछ नहीं काफ़ी सही है इसमें भी, और कुछ इतना स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। लेकिन अगर आप लोग बोतल वगैरह रखना चाहते हैं ना, तो आप लोग ये खोल के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शेप बनी हुई है, तो यहाँ पे रखनी होगी बोटल्स। बाकी यहाँ पर आ जाता है इसका मैनुअल हैंडब्रेक, जो कि अगर आप देखें ना तो क्रोम टिप के साथ आता है। और ये है इसका मोड डायल, जिसमें कि सिटी, इको, स्पोर्ट्स तीन मोड मिल जाते हैं। और सामने आ जाता है इसका 6-speed लेदर रैप्ड गियर नॉब। बाकी अब एक बार ना स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हो, तो ये पूरा आप लोगों को लेदर रैप्ड मिलता है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन ये पूरा ग्लोसी ब्लैक में आता है। और ये डी कट है, नीचे से फ्लैट मिलता है आप लोगों को, तो ये स्पोर्टी फील देता है। बाकी लेफ्ट साइड यहाँ पे आप लोगों को वॉइस के कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, और राइट साइड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल। लेफ्ट साइड यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके हेडलैम्प से कंट्रोल, जिसमें कि आप लोगों को ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है। बाकी वाइपर्स में भी है रेन सेंसिंग वाइपर का। अब एक बार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये टैकोमीटर आ जाता है, इससे आप लोग इसका टाइम और इल्यूमिनेशन सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वार्निंग लाइट्स, और बीच में ये आप लोग का डिजिटल MID आ जाता है। राइट हैंड साइड भी वार्निंग लाइट्स आ जाती है, और यहाँ पे ये आप लोग का फ्यूल शो करेगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा। बाकी MID में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक बार ये देखिए भाई, ये काफ़ी सही लगता है मुझे जब ये ऑन होता है। ये देखो
बाकी जैसे मैंने आपको बताया था इसमें तीन मोड है, तो अभी सिटी मोड है और अब ये इको लग गया। तो अब एक बार स्पोर्ट्स लगा के दिखाता हूँ, तो ये हो गया इसका स्पोर्ट्स मोड। बाकी अब बात करते हैं इसके एमआईडी की, तो यहाँ पे आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, एवरेज वगैरह टाइम सब देख सकते हैं इस वाले से। और ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नाउ यहाँ पे आ जाता है ड्राइवर साइड सनवाइजर। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वैनिटी मिरर के साथ आ जाता है। बीच में यहाँ पे आप लोगों को एलईडी लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आ जाते हैं इसके सनरूफ के कंट्रोल्स, जो कि टिल्ट फीचर के साथ आती है। बाकी सनरूफ का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा कि ये एकदम पीछे तक हो जाती है। अगर मैं दिखाऊं ना तो ये देखो एकदम पीछे तक चलेगी। बाकी यहाँ पे माइक मिल जाता है और गियर नॉब के सामने यहाँ पे आप लोगों को 12 वोल्ट का सॉकेट और राइट साइड यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें कि आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। सबसे अच्छा फीचर है इसका एक्सप्रेस कूलिंग का। ऊपर की तरफ ना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाता है, इसमें बीच में नेक्सॉन मिल जाता है। ऊपर की तरफ एसी वेंट्स आ जाते हैं और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी ना यहाँ पे आप लोगों को पूरा ट्रायर और डिज़ाइन में मिलता है, जिसमें कि ये है इसका ग्लव बॉक्स के लिए। काफ़ी स्मूथ खुलता है यार सीरियसली देखेंगे तो। और ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि नीचे की तरफ यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लाइट और इल्यूमिनेशन मतलब लाइट्स और एसी वेंट्स दोनों मिलते हैं आप लोगों को इसमें, तो वो काफ़ी सही लगते हैं। ये है इसके ऊपर वाला पार्ट, ये देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। नाउ इसमें ना आप लोगों को हरमन का 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों ही आ जाते हैं, वो सही है। बाकी यहाँ पे आप लोग रेडियो, यूएसबी, वॉइस कमांड और यहाँ पे ऑडियो सेटअप, ब्लूटूथ, कैबिन एयर, हाँ कैबिन एयर क्वालिटी और आती है इसमें। आप लोगों को एयर प्योरीफायर मिलता है और यहाँ पे आप लोगों की पार्किंग असिस्ट मिल जाता है, वो भी मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार। तो ये आप लोग ना गाइडेंस के साथ आता है, जिसमें कि अगर आप लोग हैंडल को मोड़ेंगे ना तो उसकी भी आप लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी इसमें आप लोगों को TPMS भी मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नाउ इसमें ना आप लोगों को टाटा दो इंजन ऑप्शंस देता है, एक तो है पेट्रोल का, दूसरा डीजल का। बाकी यार इसमें अगर आप बोनट देखोगे ना तो काफ़ी भारी है, टाटा ने प्योर लोअर ठोक रखा है सेफ्टी के लिए। और पीछे आप लोगों को इंसुलेशन भी मिल जाती है। बाकी अब इंजन पे आते हैं वापस, तो पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रिवोल्ट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 1200 cc का 3 सिलेंडर इंजन है। और ये आप लोगों को 120 किलोवाट की पावर और 170 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा डीजल की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को 1.5 लीटर टर्बो चार्ज रिवोल्ट्रॉन इंजन मिलता है, वो 1500 cc का 4 सिलेंडर इंजन है और उसमें आप लोगों को 110 किलोवाट की पावर और 260 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बाकी भाई ये दो इंजन ऑप्शंस आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। बाकी यार अब यहाँ तक वीडियो देख ही लेना, मतलब पसंद जरूर आई आपको, तो लाइक कर दो एक नीचे। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ भाई, लाइक कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसे लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।